एक दूजे के वास्ते। फ्रेंड्स एंड कैडेट्स, अब बारी आ चुकी है आज के सबसे बड़े अवार्ड की, एनसीसी कैडेट ऑफ द ईयर, जिसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सुमन तिवारी को। ब्रिगेडियर मोहन तिवारी की पोती, शहीद कैप्टन विनोद तिवारी की भतीजी और कर्नल विजय तिवारी की बेटी, इन्होंने ये अवार्ड जीतकर न सिर्फ अपने परिवार, अपने स्कूल, अपने स्टेट, बल्कि पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। नहीं, मुझे घड़ी नहीं चाहिए। यही तुम्हारा मेडल है। हाय मेरा मेडल। कंचन, कम ऑन, गेट अप, गेट अप। गेट अप ना, वॉक पे नहीं चलना। मेरे पैर में मोच आ रही है, स्टमक अपसेट है, हेडेक हो रहा है। तुझे जो बहाना अच्छा लगे रख ले, मुझे नहीं आना वॉक पे। कौन सोच सकता है कि तू एक आर्मी फैमिली से, सोशल मीडिया क्वीन। एटलीस्ट उठ तो जा। तुझे याद है ना आज पापा आने वाले हैं? हाँ याद है, लेकिन ना सुबह सुबह तो नहीं आएंगे ना, तो पीछे ही पड़ जाती है। तुझे पता है कंचन, आज सुबह मैंने फिर से वही जीम देखा। बाई वीकली रूटीन। यार कम ऑन सुमन, जिम करके तुम मॉल में अकेली है, 80% ऑफ की सेल है या स्कूल में कोई नया ढूंढा है। हाय या लाइक व्हाटएवर या, बट सेम ड्रीम अगेन एंड अगेन। ग्रेट चॉइस, आई नो राइट। देख तू ना मेरे साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक सेशन कर ले, तेरे पिछले जन्म को देखकर पता तो चले कि तेरे इस जन्म के इस जिम का चक्कर क्या है। मेरा तो पता नहीं, पर तुझे मेडल मिल सकता है अपनी स्टूपिड सी चटर पटर के लिए और सोने के लिए। स्टूपिड सी नहीं है यार, देख तू मेरे साथ सेशन करेगी ना तो मैं तेरा ड्रीम कम्प्लीटली वाइप ऑफ कर दूंगी, आई प्रॉमिस, फिर कभी नहीं आएगा ना। ये ड्रीम वाइप ऑफ नहीं करना, इट्स टू प्रेशियस। तुझे पता है कंचन, कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमसे सीक्रेटली हमारे लाइफ का पर्पस बता जाते हैं। कुछ करना है, कुछ ऐसा कि वो बोले हूज दैट गर्ल। क्या ये कर्नल तिवारी की डॉटर है या फिर शहीद कैप्टन विनोद तिवारी की भतीजी? और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी डियर सिस्टर एक दिन पूरे परिवार का नाम जरूर रोशन करेगी। अब इतनी टेंशन मत ले, ऐसे सो सो के नाम रोशन नहीं होता। मैं सोने नहीं जा रही हूँ, तूने जो समझाया ना उस पे आईज क्लोज करके डीपली सोचने जा रही हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग, नॉट ऑन टाइम। चले पहले जाके अपनी माँ को जगा दो, उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत तैयारी करनी होगी ना उसे। जी दादू। गो। डमरो, डमरो, आंखें खोल के काम किया कर। आंखें खोल के काम नहीं करेगा तो यही होगा। मेरी आंख खुलवाते खुलवाते एक दिन परमानेंट बंद करवा के मानेंगे। डमरू ये कर, डमरू वो कर, डमरू बस कर। मम्मा आप इतनी जल्दी उठ भी गए, रात को तो आपको माइग्रेन था ना? अब ठीक हूं मैं। ओ पापा के आने की खुशी में माइग्रेन स्वूश।
हाँ मम्मा, आपका सिस्टम ना थोड़ा अजीब सा ही है, पर बहुत क्यूट सा भी। पापा सिर्फ 5 किलोमीटर दूर कैंट में रहते हैं, लेकिन जब भी वो घर आते हैं इतना एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे कि वो कश्मीर के किसी नॉन फैमिली स्टेशन से वापस आ रहे। ओ ब्लशिंग। वैसे आप इतनी सुबह सुबह कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस उनके कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रही थी। जब वो नहीं होते ना तो पता नहीं मेरे कपड़े खुद ब खुद चल कर उनके कबर्ड में चले जाते हैं। और कर्नल साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बस वही कर रही थी। अच्छा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, कुछ चाहिए? नहीं, वही यूजुअल। ओके। अच्छा सुमन, वो वेलिंगटन बेकरी से ब्लूबेरी केक लेकर ही आऊंगी, पापा को पसंद है मुझे पता है। चले दादू। दादू, सीम्स लाइक हमारे नए नेबर्स आए हैं। हाँ, सिविलियन ना हो। अबे हरामखोर, क्या कर रहा है? देख नहीं सकता क्या? सिविलियंस। श्रवण, 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 श्रवण। साले चिल्लाइए, तुम्हारे चक्कर में अगर हमारे श्रवण को कुछ हुआ ना तो बता रही हो, ऐसे मारूंगा कि खुद अपनी अर्थी उठा के शमशान घाट भागोगे तुम। श्रवण, 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 कुछ हो जाता तो तुझे तुम भी। अरे कुछ नहीं, साले मारेंगे तुम, तुम्हें भी। और चट्टी वाले सुपरमैन के भतीजे हो ना तुम, बहुत पिटोगे तुम। कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत ले। क्या फायदा, टिकट तो गया पानी में। बेटे जब जिंदगी रिस्क में डालो ना तो मेक श्योर कि जीत सिर्फ तुम्हारी हो, वरना सेलिब्रेशन क्या सिर्फ जिंदा रहने का करोगे? फ्री का ज्ञान बांट रहा हूँ, संभाल ले, काम आएगा तेरे। ऐसे क्या भूख रहा था तू? फट्टू। ऐसा ना अनिश कि आर्मी वाले का बेटा होने से ना तो तुम लोग बहादुर बन जाते हो और ना ही सिविलियन का बेटा होने से हम लोग फट्टू, समझा? तेरे डैड आर्मी में, तू नहीं। साले तुझे तो मैं देख रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं देख पाएगा, सिर्फ आखिरी साल है मेरा, उसके बाद मैं तो सीधा कहाँ? यूएसए। चल निकलते हैं। बाय। ओए जल्दी से घर चलते हैं, पापा को पता चला ना मैं सारी रात बाहर था तो बहन बजा देंगे मेरी। चल 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 चल। अभी स्लो चलाना, ठंड लग रही है। बता रही है भैया, तुम्हारे पिताजी को हल्की सी भी भनक पड़ी ना कि उनका लौंडा इतना भी श्रवण नहीं है जितना उसका नाम है, तो बता रही है बढ़िया वाला सलटाएंगे तुमको। एक में तुम्हारा उनका भी हो जाएगा। ये बकवास करने आते हैं, डिप्लोमा किए थे, गॉड गिफ्ट है, बोलता रहेगा हर टाइम। पंडित ठंड लग रही है यार। हाँ तो पहले ही बताए होते कि कूदने जा रही हूँ तो मैं तालाब में हीटर लगवा देता है ना। पंडित क्या हुआ? रुक, रुक, रुक। अरे हुआ क्या? रुक। अरे को कहाँ जा रही हो? टेंट को घर पर ले जाओगी क्या? अबे ठंड से निपटने जा रहा हूँ। अरे हम ये किसी दिन मरवाए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जा रहे हो, आप जाओगे। दादू, मैं ब्लूबेरी केक लेके आती हूँ। ओके बेटा जा। राजा, क्या बात? Bye.
on gossip. Bunkett has decided to come across the wicket. Ball is knocked straight to the cover fielder Jude. First shot played. Also gives a smile to bowler. Good to see Bunkett is sharing smile over there. Well done for Hindi commentary. Please come in again. So New Zealand earns a play 1 wicket ke nuksan par. 17 over pragati par hai. Aur jahan tak dono teams ke semi final mein pahunchne ka prashn hai. Us bare mein और साथ ही देखना ये भी है कि आज शाम इंदौर में हो रहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का क्या परिणाम रहेगा, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधा पहुंच जाएगी फाइनल्स में। और अब 70 एक विकेट के नुकसान पर, 17वें ओवर की समाप्ति। और अब बॉल करवाने आ रहे हैं माइकल सर, और ये 18वें ओवर की पहली बॉल। थैंक यू। बॉल इन्होंने डाल दी शॉर्ट में, जिसे खिलाड़ी ने बड़ी सॉरी कैप्टन, rough night. Very rough night, sir. Chalo. Off pe ho? काफी लंबे off में sir. इसीलिए सुबह से ही. नहीं नहीं, अपनी तो रात से चल रही है आज. Wait. Which regiment? Malhotra regiment. Wait. और ये Malhotra regiment है कहाँ? Cannaught place. आपको क्या लेना है? सुनो, तुम आर्मी के नहीं हो, ये जैकेट तुम्हारा नहीं है। बॉय, ये जैकेट चुराया नहीं जाता है, अर्न किया जाता है। हाउ डेयर यू? इनको अंकल आपको बुला रहे हैं। अरे पकड़ो पकड़ो चोर! भाग के जाएगा कहाँ? MP04H4037 और दूसरी ये टिकट, अब ये टिकट ही हमें मिल जाएगी। कविता, कविता, वो पेट में चूहे कूद रहे हैं। साड़ा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? और छेती छेती करो जी। मुझे सामान लगे ना लगे, घर सजे ना सजे, आपकी प्लेट में ना पराठे सजने बड़े जरूरी हैं। अब मैं की करा जी, तुम्हारे पराठों का स्वाद ही ऐसा है कि टाइम पर ना मिले तो तड़प होने लग जाती है जी। आप ना मक्खन ना पराठों पे लगाना, मैनू ना चोपड़ो। हाँ वैसे किथे जाने की तैयारी है? और तुसी भूल गए, वो आज साढ़े दोस्त कर्नल विजय तिवारी का कैंट में इवेंट है। और तेनू पता है कर्नल विजय ने सिर्फ एक ही सिविलियन दोस्त को विद फैमिली इनवाइट किया है, और वो मैं। आजी जिगरी दोस्त है मेरा, जिगरी। आर्मी के इतने बड़े फंक्शन में बुलाया जाना जी, बड़े गर्व की बात है। सिविलियंस को तो जैसे मौके नहीं मिलते। हाँ वो तो हमारी फैमिली आपस में मिली जुली नहीं है जी, वरना आप भी देखते कि आर्मी वाले की लाइफ ना उसके ठसक की होंगी है। इसीलिए हम सबको इवेंट में जाना बहुत जरूरी है। हाँ जी समझ गई जी, समझ गई। आप पराठे खा लो, ठंडे हो रहे हैं। पराठे पराठे कर रहे थे पहले तो आप। अरे जुमरी थोड़ा दही ले आ। गुड मॉर्निंग ताऊ जी। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग ताई जी। गुड मॉर्निंग। तू बैठ जा, तेरे लिए भी गर्मा गर्म पराठे लेके आती हूँ। अरे जुमरी
अरे दही आज आएगी कि नहीं? फ्रिज में दही नहीं है। दही फ्रिज में नहीं है? अरे सुबह ही तो मंगवाई है। अभी नहीं है। कविता, ताऊ जी, मैंने ना शायद श्रवण भैया को देखा था सुबह दही ले जाते हुए। सुबह सुबह दही? सब ठीक तो है ना? अरे ताऊ जी, आप वहाँ क्यों जा रहे? भैया ने तो ना अपने लिए ऊपर वाला रूम चूज किया है। अच्छा, जनाब के लिए सीधा आसमान में उड़ना आसान रहेगा। सुबह सुबह दही क्यों? ओए सुबह सुबह दही क्यों? कैल्शियम पापा, बोन स्ट्रॉन्ग बनती है। वो बादाम खाया करो, उससे तेरा दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा। आपका ही तो बेटा हूँ पापा, दिमाग कैसे कमजोर हो सकता? वाह, बातें बनाने में तो सबसे आगे है तू, है ना? फटाफट तैयार हो जा, एक इवेंट में जाना है। पापा मुझे कुछ काम था तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ओह अच्छा अच्छा, सीएम साहब के साथ मीटिंग है ना तुम्हारी, जहां वो तुमसे पूछेंगे कि एमपी कैसे चलाना है। एक दिन वो भी हो जाएगा पापा, आज से थोड़ा नीचे का काम। बकवास नहीं, तू इवेंट में चलेगा, समझ गया? देखो आर्मी स्टाफ आने वाले पापा, और हम बड़े लकी हैं कि हम ओनली सिविलियन हैं जिन्हें कर्नल साहब ने इवेंट में बुलाया है। इसीलिए फटाफट तैयार होकर नीचे आ जा, ठीक है? नो बहस नो बहाना, गुड बॉय। तो आ जा। ओए कविता, अपने मुंडे ने समझा दे, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए, कोई सेंस ही नहीं है देश के खातिर। नॉनसेंस। देखा तूने, बैग तो ऐसे चौड़े हो रहे हैं जैसे खुद बॉर्डर पे लड़के आए और इन्हें परमवीर चक्र मिलने वाला आज है ना। हाँ। वैसे भैया आप एक बात बताओ, हमको कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, और मेरे पास टिकट भी है। व्हाट? सीरियसली? एक मिनट, फेंक रहे हो ना? फेंकते वो लोग हैं जिनमें कर दिखाने की हिम्मत ना हो। रुक, आंखें चौड़ी हो जानी है तेरी। अच्छा एक सेकंड रुक, जींस में रखा मैंने, देख तू। भैया मेरी आंखें तो नहीं, लेकिन अभी आपकी आंखें भगा चौड़ी हो गई है। अरे दूसरी ले लेना। दूसरी ले लेना? दूसरी ले लेना? इस टिकट को पाने के लिए जो किया था ना, दूसरी बार करने गया तो मैच ऊपर से ही देखूंगा। एक्चुअली ना भैया, आपको ना मेरी साइलेंट वाली बद्दुआ लगी, मेरे बिना जो मैच देखने जा रहे थे। अच्छा आपके साथ मेरा टिकट कहाँ गया? How's my favorite cadet? Perfect. Congratulations, Papa. आप तो बहुत excited होंगे ना? एक दिन तुझे भी मिलेगा। बड़े पापा। बस बस बस। कैसी है बेटा? एकदम बढ़िया। Congratulations, बड़े पापा। Thank you, बेटा। नमस्ते पापा। Good show.
वेल डन, वेलकम होम कन्हा। पापा, मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि आपके मुंह से मुझे कर्नल सुनना ज्यादा अच्छा लगता है या विजय। कैसे हो मीना? अच्छी हूँ भाई साहब, बहुत बधाई हो आपको। आई वाज मिसिंग योर कचौरी। रमेश, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ विजय क्यों खड़े थे? भैया मैंने सोचा पहले सबसे मिलने। बहुत बहुत बधाई हो भैया, जब हम सबको पता चला तो हम बहुत खुश हुए। और आप लोगों की खुशी देख कर ना मेरी खुशी दुगनी हो गई। भाई सब अंदर चलिए ना, आपकी कचौड़ियाँ तैयार है। आइए। After you. Relax. सीखो इनसे। Please. जी भाई सब। Relax. आओ। कचौड़ियों की खुशबू बाहर तक आ रही। डमरू, राइट हैंड। भोलेनाथ को खुश रख रहे हो? हाँ आओ भाई, आप गर्मा गर्म कचौरी जल्दी लाओ भाई। जी बाबूजी, अभी लेके आती हूँ। जल्दी से। डमरू चलो हम लोग नाश्ता लगाते हैं। वीना रुक जाओ, डमरू कर लेगा, बैठो तो। जी भाई साहब। डमरू प्रसाद भी लेके आना, जल्दी आओ। रमेश। जी भैया। वहां क्यों खड़े हो? आओ यहां बैठो। जी भैया। सो भाई साहब ये लीजिए प्रसाद, चिंतपूर्णी माता का प्रसाद है, मैंने आपके लिए बचा के रखा था। थैंक यू बीना। थैंक यू। न्यू साड़ी? हाँ। कचौड़ी खा के देखिए ना कैसी बनी है कचौड़ियाँ। वाह, टू गुड। ये सब चीजें मैं जो कैंट में बहुत मिस करता हूँ। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? हम सबको तैयार होके निकलना है। And we have 60 minutes to go. और आप सबको पता है कि मुझे एक मिनट की भी देरी अच्छी नहीं लगती। We all know, Papa. So let's finish. अबे नहीं मिली का क्या मतलब है? तो ढूंढना जाके। यार एक काम कर, सुन तू ना बोट क्लब से लेके मेरे घर तक पूरा रास्ता अच्छे से सर्च मार, ठीक है? हाँ पहलवान, अब तुम्हारे खातिर हम जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कांड करके भाग रहे थे और पब्लिक तुम्हें लपकने तुम्हारे पीछे दौड़ रही थी, कहीं तब तो ना गिरा थी टिकट? पता नहीं यार, तू 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 ढूंढ ना जाके। सैंस पार्टी बीच से लेके मेरे घर तक पूरा रास्ता अच्छे से सर्च मार। या देख भाई, हेलो, देख अगर टिकट नहीं मिलेगा बंटी तो मैं मर जाऊंगा भाई। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो बंटी, हेलो कहाँ घर लिया, नेटवर्क तक नहीं आता। हेलो बंटी, हेलो, अरे यार मुझे तो सुनाई दे रहा है, तुझे नहीं सुन रहा क्या? हेलो हाँ हाँ, अरे 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 हाँ बता। देख मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मुझे टिकट नहीं मिले ना बंटी तो भाई मैं मर जाऊंगा यार। अब तो ये टिकट नहीं मैं भूबा हो गई। बंटी तुझे जो समझना समझ भाई, बट बेटा याद रखियो ये वो ब्रेकअप है जो अगर हुआ ना तो तेरा मेरा दोनों का साथ में होगा, क्योंकि अगर मैं मैच देखने नहीं गया ना बंटी जाने तो तुझे भी नहीं दूंगा। जी तो तुम गुंडागर्दी कर रही हो। गुंडागर्दी नहीं कर रहा, दोस्ती का फायदा उठा रहा हूँ, समझा? और तू सुन यार, मैं ना अभी पापा के साथ किसी इवेंट में जा रहा हूँ, मैं खुद आ जाता है यार।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.